हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन पैटर्न। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी आर्ट प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है डिज़ाइन 6 के मल्टीपल बनेगा, प्लस 5 फंदे आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 23 फंदे लिए हुए हैं और ये 6 रो के डिज़ाइन है। इसे आप जो है राइट साइड से स्टार्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, ये फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे और धागा को आगे लाएंगे और देखिए 1 2 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे और धागा देखिए अपनी ही साइड रखे रहेंगे। 1 2 3 फंदा स्लिप करेंगे, फिर देखिए 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 इसके बाद 1 2 3 फंदा हम स्लिप कर लेंगे। ठीक, फिर देखिए 3 फंदा 1 2 3 फिर इसके बाद 3 फंदा स्लिप कर लेंगे। लास्ट में हमारे ये 3 फंदे इन्हें बुनेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे। 1 साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। ये सेकेंड रो है बैक साइड। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 धागा आगे, 3 फंदा स्लिप करेंगे। 1 2 3 फिर इसके बाद धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा। 1 2 3 धागा आगे, 3 फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। 1 2 3 धागा आगे, 3 फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। 1 2 3 धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। ये साइड का एड स्टिच है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2 रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, ये थर्ड रो है, राइट साइड है। इसे फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें सीधा सीधा बुनना है। ठीक ना, देखिए इसे हम ऐसे पूरी रो को सीधा बुनेंगे। ये रो 3 है, इसको पूरी रो को ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। इस तरीके से इसे हम पूरा बुनेंगे। ये देखिए थर्ड रो कंप्लीट हो गया। ये रो 4 है, बैक साइड है। ठीक ना, रो 4 को हम अब देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए, ये रो 4 है, बैक साइड है। इसको देखिए इस तरीके से ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। देखिए, ये रो 4 कंप्लीट हो गया। अब ये रो 5 है, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, देखिए 1 2 3 4 देखिए 1 साइड का एड स्टिच, इसके बाद 1 2 3 4। अब देखिए, जो ये फंदा है बीच का, यहाँ हम इस धागे को उठाएंगे, लूप को ऐसे इस सिलाई पर डाल देंगे। देखिए, डालने के बाद लूप और फंदा एक साथ ऐसे बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से, फिर देखिए 5 फंदे बुनना है। देखिए 1 2 3 4 5 अब देखिए इस लूप को उठाएंगे ना, इस सिलाई पे ऐसे डालेंगे और ये 2 का 1 ऐसे कर देंगे। देखिए, लूप और फंदे को एक साथ बुनाई करेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 फिर देखिए इस फंदे, इस लूप को और इस पर सिलाई डालेंगे तो यहाँ पर ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर देखिए लास्ट में 4 फंदे, 1 2 3 4 फिर ये साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, ये 5th रो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड देखिए, कितना खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन बनकर आने लगा है। इसको ध्यान से देखिए, अभी केवल ये 5 रो हमने बनाया है। अब देखिए 6 रो बैक साइड। अभी फर्स्ट फंदा स्लिप करके और ऐसे पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है।
देखिए सिक्स रो को आप ऐसे उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई को आपको कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए ये वन से लेके सिक्स रो में डिजाइन कितना प्यारा और खूबसूरत बनकर आया है। यही वन से लेके सिक्स रो आप रिपीट करते जाएंगे ना, पूरी डिजाइन देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बनकर आएगी। इसे आप बनाएं, अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।